भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी कब बनी, कैसे बनी, किन सिचुएशंस में बनी और सबसे बड़ी बात, आखिर इस यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने और उन्हें इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने के दौरान कितना स्ट्रगल करना पड़ा। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें। इसलिए सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बारे में जान लेते हैं, जिनको इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने के दौरान बहुत ही स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करना पड़ा। उन महाशय का नाम है धोड़ो केशव कर्वे, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1858 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था और उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के विकास के लिए समर्पित कर दिया। साल 1884 में उन्होंने मुंबई के इन्फिंस्टन कॉलेज से मैथ सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर उन्होंने अपना करियर एज अ स्कूल टीचर स्टार्ट कर दिया। उन्होंने घूंघट प्रथा और बाल विवाह के लिए आवाज़ उठाई और बल्कि साल 1893 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक मंडली भी बनाई, इसलिए लोगों ने उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अभी तो ये समाज सुधार कार्यों की शुरुआत थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, वो भी सबसे ज़्यादा महिलाओं को, ताकि वे अपने हक की आवाज़ उठा सकें। फिर उन्होंने 1907 में पुणे में महिला विद्यालय की स्थापना की। साल 1914 तब कर्वे ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने आप को पूरी तरह से अपने संगठनों में समर्पित कर दिया। जब उन्हें जापान में टोक्यो के महिला विश्वविद्यालय के बारे में पता चला, फिर उन्होंने तय कर लिया कि वे भारत में भी सिर्फ महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेंगे और उन्हें इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें देश विदेश जाना पड़ा। करीब 2.5 लाख रुपए के चंदे के साथ उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी। उनके देश के प्रति इसी निस्वार्थ भाव के कारण लोग उन्हें महर्षि कर्वे कहने लगे। साल 1955 तब उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और साल 1958 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया और 9 नवंबर 1962 को 104 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। महर्षि कर्वे के इस महान कार्य के लिए हमारा देश और हम सभी देशवासी उनके सदा आभारी रहेंगे। चलिए अब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ और तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकर सी यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी का नाम किसी महिला के नाम पर ही क्यों रखा गया, जबकि यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए तो सारे स्ट्रगल सेक्रीफाइस महर्षि कर्वे ने किए थे। वो इसलिए क्योंकि पैसों की कमी के कारण इस यूनिवर्सिटी के काम को बीच में रोकना पड़ा। तभी मुंबई के मशहूर उद्योगपति बिट्टल दास दामोदर ठाकर सी ने इस यूनिवर्सिटी को 15 लाख रुपये दान में दिए, जिसके बाद इस विश्वविद्यालय का नाम ठाकर सी की माता के नाम पर रखा गया। इस यूनिवर्सिटी को 1916 में मात्र 5 छात्राओं के साथ शुरू किया गया था और आज इस यूनिवर्सिटी के 26 कॉलेजों में 70,000 से भी ज़्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। लड़कियों के 3 स्कूल भी इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।